प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जौनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उनकी पार्टी अपनी नीतियों पर मजबूती के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर अपनी बातें न सुनने का आरोप भी लगा डाला। मीडिया से वार्ता के दौरान यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का दर्द एक बार फिर झलका। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे के बयान पर बसते हुए बोला कि हम तो अपने हद में ही हैं और हमें जहां रहना है वहीं पर हैं। हमें जौनपुर में डाक बंगला मिला है तो हम वहीं हैं। लखनऊ की पार्टी कार्यालय की मांग के लिए हमने मुख्यमंत्री से लगाए हर एक चौखट खटखटाई, लेकिन हमारी पार्टी को आज तक एक कार्यालय नहीं मिला। बल्कि जिस पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं, आज उनके पास कार्यालय हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने छात्रवृत्ति व अन्य मुद्दों पर भी सरकार को एक बार फिर से घेरा। साल भर से मैं कार्यालय के लिए, अपनी पार्टी के लखनऊ में कार्यालय के लिए माननीय अमित शाह जी से लेके मुख्यमंत्री से लेके सुनील बंसल जी से लेके सबसे कह डाला, जिसके पास विधायक भी नहीं है उसके कार्यालय लखनऊ में उनको कमरे अलाट हैं। हमको अभी तक कार्यालय नहीं दिया गया। अब इसको हम किस फोरम में ले जाके कहें? अब मुख्यमंत्री जी से बड़ा फोरम क्या है? अमित शाह जी से बड़ा फोरम क्या है? तो ये किसी सलाह देना एक अच्छी बात है, लेकिन सलाह पे अमल करना, हम क्यों बोल रहे हैं? हम जब सुप्रीम कोर्ट के चार जज अंदर जब उनकी बात नहीं बनी, तब न आपके माध्यम से जनता के बीच में गए। तो हम तो सारी बात ओपन कह रहा हूं कि भाई छात्रवृत्ति के सवाल पे कोई बहस कर ले। अगर मैं मुख्यमंत्री से ना कहा हूं, कैबिनेट में इस पे ना चर्चा किया हूं, तब तो मुझसे कोई कह सकता है। पिछड़ी जाति के भी विभाजन के सवाल पे अगर मैं न कहा हूँ किसी से, तब कोई मुझसे कहे। राशन कार्ड, आवास, शौचालय, पेंशन के सवाल पे न कहा हूँ, तब कोई कहे।